हेलो गाइस, वेलकम टू टेक स्टफ। एक नया वीक स्टार्ट हो गया और व्हाट अ डे इट हैज बीन ऑलरेडी। इन दिस वीडियो वी हैव द Xiaomi 13 सीरीज, IQOO 11 सीरीज, OnePlus 11, Redmi K60 सीरीज, IQOO Neo 7 SE एंड अ लॉट मोर। सो नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद Xiaomi गाइस। Xiaomi ने आज ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि Xiaomi 13 सीरीज के स्मार्टफोन्स 1 दिसंबर को लॉन्च होने वाले हैं। वैसे मैंने बेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन वीडियो में बता दिया था आपको एक्सक्लूसिवली कि यार 1 दिसंबर को Xiaomi 13 सीरीज की लॉन्च को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Watch S2, Xiaomi Buds 4 और MIUI 14 1 दिसंबर को अनवील होने वाले हैं। Xiaomi 13 में हमें एक फ्लैट एमोलेड पैनल मिलेगी और Xiaomi 13 Pro में कर्व डिस्प्ले मिलने वाली है। इस सीरीज के स्मार्टफोन्स में हमें बहुत ही नैरो बेजल्स मिलेंगे गाइस। 1.61 mm नैरो बेजल्स हमें Xiaomi 13 सीरीज के स्मार्टफोन्स में मिलने वाले हैं। Redmi K60 सीरीज भी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। दिसंबर में Redmi K60 सीरीज चाइना में अनवेल हो जाएगी और आज Redmi K60 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर लीक हो गए हैं। Redmi K60 में हमें Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलने वाला है। Redmi K60 Pro में फॉर सम रीजन Snapdragon 8 प्लस Gen 1 प्रोसेसर होगा। और गाइस, Redmi K60 सीरीज का एक एक्सट्रीम वेरिएंट भी लॉन्च होगा, Redmi K60e और Redmi K60 Extreme। इसमें हमें Dimensity 9200 प्रोसेसर मिल सकता है। IQOO 11 सीरीज लॉन्च हो रही है 2 दिसंबर को चाइना में और इंडिया में भी आप जल्दी ही सीरीज की लॉन्च को एक्सपेक्ट कर सकते हो। IQOO ने आज IQOO 11 सीरीज की कुछ और की स्पेसिफिकेशंस को रिवील कर दिया है। इस सीरीज के दोनों स्मार्टफोन्स में हमें V2 कस्टम चिप मिलने वाली है और IQOO 11 सीरीज वर्ल्ड की पहली सीरीज होगी जिसमें हमें 2K 144Hz E6 डिस्प्ले मिलने वाली है। XDR इंजन आपको सपोर्ट मिलेगी और 1800 nits की पीक ब्राइटनेस IQOO 11 सीरीज के स्मार्टफोन्स में मिलने वाली है। एंड स्पीकिंग ऑफ IQOO Neo 7 SE, इस स्मार्टफोन में हमें एक 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 2440mAh डुअल सेल बैटरी, 120W फास्ट चार्जिंग, 64+2+2 ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 16MP सेल्फी स्नैपर, 8, 12, 16GB रैम, 128GB, 256GB, 512GB इंटरनल स्टोरेज और एंड्रॉइड 13 IQOO Neo 7 SE में मिलने वाला है। जियो ट्रू 5G सर्विसेज अब गुजरात में भी अनवेल हो गई है। गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जियो ट्रू 5G अब अनवेल हो चुका है, रोल आउट हो चुका है। नॉट जस्ट दैट गाइस, रिलायंस फाउंडेशन एंड जियो आर कमिंग टुगेदर एंड विल इनिशियली डिजिटाइज 100 स्कूल्स इन गुजरात। मतलब स्कूल्स में आपको 5G सर्विसेज मिलेगी, नॉट जस्ट फॉर कॉलिंग एंड डेटा कंजम्पशन। जियो ट्रू 5G कनेक्टिविटी के अलावा एडवांस कंटेंट प्लेटफॉर्म मिलेगा, टीचर एंड स्टूडेंट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म मिलेगा और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। मतलब 5G से नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, एजुकेशन भी डेमोक्रेटाइज करने के लिए जियो यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है। वैसे सैमसंग भी प्लानिंग कर रहा है टू मैन्युफैक्चर इट्स 4G एंड 5G गियर इन इंडिया। सैमसंग 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है अपनी तमिलनाडु फैसिलिटी में टू मैन्युफैक्चर 5G और 4G के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स इन द कंट्री। व्हाट्सएप पे अभी तक आप स्टेटस अपडेट्स अगर करते हो तो आप या तो टेक्स्ट बेस्ड स्टेटस अपडेट्स करते हो या फोटो या वीडियो आप अपलोड कर सकते हो, बट काफी जल्दी व्हाट्सएप पे आपको वॉइस स्टेटस अपडेट्स का फीचर भी मिलने वाला है। फिलहाल के लिए iOS बीटा ऐप में ये फीचर रोल आउट हो गया, बट इसका स्टेबल अपडेट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। वैसे ये तो चलो अच्छी न्यूज है, बट व्हाट्सएप का गाइस रिसेंटली एक डेटा ब्रीच हुआ और उसमें 500 मिलियन यूजर्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लीक हो चुकी है और वो मार्केट में सेल हो रही है। एक प्लेटफॉर्म पे 500 मिलियन यूजर्स के डेटा को जस्ट $7,000 में बेचा जा रहा है। $7,000 वैसे बहुत होते हैं, बट कंसीडरिंग कितना सारा ये डेटा है और कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इससे कितने स्कैम्स हो सकते हैं, उसके चलते $7,000 कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी स्कैमी या सस्पिशियस लिंक व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करता है तो उसको प्लीज क्लिक मत करो, यू माइट फॉल प्रे फॉर दी स्कैमर्स। अल्ट्रा वॉयलेट एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, इसने इंडिया की दी मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक बाइक को अनवेल कर दिया है। इसका नाम है अल्ट्रा वॉयलेट F77। मतलब तीन आपको वेरिएंट मिलेंगे इस बाइक के और एक्स शोरूम प्राइस इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का है ₹5.5 लाख। इसमें आपको टॉप स्पीड मिलती है 152 किलोमीटर पर आर की और 307 किलोमीटर की आपको रेंज मिलती है। गाइस, इलॉन मस्क ने ट्विटर सर्च एल्गोरिदम को फिक्स करने के लिए एक हैकर को अपॉइंट किया है।
है। जॉर्ज हॉट्स जो कि फेमस है जेल ब्रेकिंग के लिए और PS3 PlayStation 3 को हैक करने के लिए, वो अब ट्विटर से एसोसिएट हो गए और उनको 3 महीने का टाइम दिया गया है टू फिक्स दिस ट्विटर सर्च। ट्विटर सर्च अभी के लिए इलॉन के हिसाब से ब्रोकन है और एल्गोरिथम कुछ प्रायोरिटाइज नहीं करती रेलिवेंट सर्चेस को, और 3 महीने में अब लग रहा है कि हमें कुछ बेटर ट्विटर सर्च एल्गोरिथम मिल जाएगी। गाइस OnePlus 11 जनवरी 2023 में एलिजिडली रिपोर्टेडली लॉन्च होने वाला है, और इस लेटेस्ट रिपोर्ट इस लेटेस्ट लीक की अगर आप माने तो ये स्मार्टफोन 2 कलर वेरियंट में लॉन्च होगा। OnePlus 11 इज टिप टू लॉन्च इन मैट ब्लैक एंड ग्लॉसी ग्रीन कलर ऑप्शन। इसके मैट ब्लैक कलर वेरियंट के तो रेंडर्स भी लीक हो गए थे, बट ये स्मार्टफोन हमें ग्रीन कलर वेरियंट में भी मिलने वाला है। और लास्ट में बात कर लेते हैं Realme 10 Pro सीरीज की। Realme 10 Pro सीरीज इंडिया में 8 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है, और इफ इन केस यू आर वरीड अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द Realme 10 Pro सीरीज, गाइस Realme 10 Pro Plus इंडिया में 25,000 से कम प्राइस में लॉन्च होने वाला है। वैसे इट्स नॉट अ सरप्राइज अगर आप सीधा इसको कन्वर्ट करो, मतलब चाइनीज प्राइसिंग को अगर आप कन्वर्ट करो इंडियन प्राइसिंग में तो ऐसा ही बनना था कुछ। तो Realme 10 Pro आप 20,000 के आसपास और Realme 10 Pro Plus 25,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑन दैट नोट गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो जो चीजें कर सकते हो सब कर दो, कमेंट भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, अ पीस, जय हिंद।